हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटीज। सो यहाँ पर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले क्रूड ऑयल के जो 21 नवंबर फ्यूचर्स है वो यहाँ पर करंटली मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर हमें जो है किस तरह का प्राइस मोमेंटम अपसाइड के अंदर देखने को मिल सकता है। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर हमें जो एक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर हमें सीखना चाहिए वो होगा कि कभी भी इस तरह का यहाँ पर हमें जो है गैप फील होना बाकी रहता है। कल के अगर मैं सेशन की बात करूँ तो यहाँ पर हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर हमें जो है सस्टेन होते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पर जो स्लोली एंड स्टेडली ये जो गैप है वो कल ही फील हो चुका है और आज भी हम यहाँ पर देख सकते हो गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली है। सो यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से बात करें तो 5912 के प्राइस लेवल के नीचे हम यहाँ पर जो है ईजिली शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं एज वेल एज लॉन्ग पोजिशन बनाने के लिए मेरे आपसे अगर आप रिस्क टेकर नहीं हो तो 6030 के ऊपर आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो मेरे आपसे आज के लेवल के हाई प्राइस इज 5980 के ऊपर जो है यहां पर हम इजीली लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अगर मैं करंटली आरएसआई के मोमेंटम की बात करूँ तो आरएसआई भी करंटली यहाँ पर मार्केट में बैरिश जरूर चल रहा है, बट यहाँ पर हम एंटीसिपेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अगर करेंटली अगर मैं यहाँ पर एमएसडी की बात करूँ तो एमएसडी ने भी एक अच्छा खासा सा इंडिकेशन जो है यहाँ पर कल के सेशन के अंदर दिया था, बट यहाँ पर जो है अभी तक कोई नया इंडिकेशन नहीं मिला है। बैरिश एक अच्छा सा बुल मोमेंटम यहाँ पर हमें क्रिएट मॉर्निंग सेशन के अंदर जरूर देखने को मिला था, बट यहाँ पर बैरिश मोमेंटम जो है यहाँ पर हमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर करंट लेवल की बात करूँ तो उसके हिसाब से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमें 6030 के ऊपर जो है लॉन्ग पोजीशन के अंदर देखने को मिल सकता है। फॉर अ रिस्क टेकर 5980 एज वेल एज शॉर्ट पोजीशन के लिए 5914 जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पर ब्रेक देखने को मिलता है डाउन साइड के अंदर तो 5914 के ऊपर नीचे जो है हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन इजीली कवर कर सकते हैं। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी एज वेल एज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एन इंट्राडे बेसिस फॉर द क्रूड ऑयल 21 नवंबर फ्यूचर्स आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।